में और पहली पोस्टिंग है मेरी, तो आपसे परिचय हो जाएगा इसी बहाने और आपसे बात भी होगी। बस उनको आप बोल के रखिएगा कि कहीं अपनी गाड़ी ढंग की जगह पार्क करें, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और टू व्हीलर्स खड़े हुए हैं और पूरा का पूरा चक्का जाम हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सेकेंडली डीजे की बात उन्होंने बता दी है, कोशिश कीजिएगा थोड़ी भद्र रहे चीज़ें, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बार बार बोलने की आवश्यकता पड़े कि यहाँ हड़दंग हो रहा है, यहाँ ऐसे हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपको इशू है, आपको कोई परेशान करता है, तो पहले तो मुझे लगता है कि आपके एंड से तैयारी होनी चाहिए। हर एक जो भी जगह है उनके मैनेजर्स को, उनके ओनर्स को पता होता है हमारे यहाँ कितने लोग आते हैं, कितने की भीड़ अपेक्षित है, उस हिसाब से थोड़ा सा अरेंजमेंट करके रखिए। हमारे एंड से अगर कोई इशू होता है, हमारे एंड से अगर आप कोई हेल्प चाहिए, तो आप सीधा सीधा पहले तो फैंटम को ही, फैंटम क्या है कि भाई टू व्हीलर है तो सबसे पहले उसका रिस्पांस टाइम सबसे कम है, वो फौरन वहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद चौकी इंचार्जेस सारे के सारे आपके सामने बैठे हैं, अपने चौकी इंचार्ज से बात करें, आपकी कोई समस्या है बताएं। उसके बाद SHO साहब, और मैं तो उस दिन रहूँगी, मैं अमूमन रहती ही हूँ शाम को एरिया में, और उस दिन मैं स्पेशली रहूँगी। मेरा भी CUG नंबर है 1637 है, आप लिख सकते हैं या ऑनलाइन अवेलेबल भी है। दूसरा, जिन जिन के पास लीकर के लाइसेंसेज हैं, जिस भी तरीके के लाइसेंसेज हैं, अपना हैंडी रखें, किसी भी टाइम वो चेक हो सकता है, ठीक। दूसरी बात, आपके जो CCTV कैमराज हैं वो सारे वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए, आज प्लीज़ जाके चेक करवा लीजिएगा। स्पेशली जो एंट्रेंस का CCTV होता है, जिसमें कि आदमी आता जाता दिखाई देता है, वो एक सुचारू रूप से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ इशू हो और CCTVs देखने के लिए बोला जाए और आप बोले कि मैडम ये तो खराब है या इसकी तो फुटेज हमारे हैं, DVR नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। CCTV कैमराज मस्ट है, मुझे लगता है सब लोगों के यहाँ पे लगे ही होंगे, वो एक नेसेसिटी भी है लीगली भी सब। और बाकी जो आपके अगर रूम लेके लोग आ भी रहे हैं, तो जो IDs आप ले रहे हैं उनका थोड़ा सा ध्यान से लीजिए, ऐसा ना हो कि गलत ID या धोखाधड़ी वाले मामला, कोई भी इस तरीके का मामला आए। जितने भी विजिटर्स आ रहे हैं, चाहे जैसे अभी SHO साहब बता रहे थे कि एक एक कमरे में 10-10, 12-12 लोग बैठे रहते हैं, अगर ऐसा होता भी है तो कम से कम आपको खबर होनी चाहिए कौन है, ठीक है। कोई भी इंसान आपकी जगह पर, आपके गेस्ट हाउस में, होटल में कदम रख रहा है, तो आपको उस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो आप प्लीज़ IDs उनके ज़रूर लें। विजिटर्स का एक रजिस्टर अलग बनवा लीजिए। एक तो वो लोग होते हैं जिन्होंने कमरा बुक किया होता है, एक वो लोग होते हैं जो विजिटर्स होते हैं, उनका अक्सर कुछ खास रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता। तो प्लीज़ एक आप ये ना एम्बेरसमेंट ना फील करें कि कोई आ रहा है, आप बार बार उनसे ID मांग रहे हैं। प्लीज़ लीगल रिक्वायरमेंट हमेशा आपकी सुचारू रूप से होनी चाहिए, ठीक है। मोटे मोटे हमारे यही पॉइंट है, पार्किंग का इशू है, लीकर का है, और CCTVs का है, आपके रिकॉर्ड मेंटेनिंग का है, और जैसा कि उन्होंने बताया SHO साहब ने कि जहाँ जहाँ पर क्राउड ज़्यादा हो सकता है, पिछले साल के अनुरूप भी आपको एक कंपैरिजन में मोटा मोटी जानकारी होगी, तो फिर अपना एक प्राइवेट सिक्योरिटी बाउंसर भी वहाँ खड़ा करें, बेटर रहेगा, आपका ही फ़ायदा हमसे ज़्यादा होगा, मुझे ऐसा लगता है। आपकी ही जगह है वो, कोई भी इंसिडेंट होता है तो आपका नुकसान ज़्यादा है, पुलिस का नुकसान हमेशा कम रहेगा। आपकी जगह पे मुकदमा होगा और कुछ लीगल कार्रवाई होगी, बिल्कुल भी सभ्य नहीं लगता, ठीक है। बाकी आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी पॉइंट है, तो आप रेज कर सकते हैं। मेरा बस 3-4 यही पॉइंट है जो मैं मोटा मुख्य फोकस डालूंगी। एक तो है कि पार्किंग का इशू हो जाता है बहुत, क्योंकि रोडवेज पे मैं खुद देख कर आती हूँ, जंक्शन के आसपास एरिया में बिल्कुल भी जगह नहीं है। बहुत सारे लोग जब आते हैं, जब पार्टीज होती हैं, तो वहीं बाइक खड़ी कर देते हैं, उससे क्या होता है कि पूरा ट्रैफिक रुक जाता है, या फिर क्योंकि उस टाइम लोग थोड़ा बहुत नशे में भी होते हैं पार्टी के टाइम में, तो एक्सीडेंट होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो आप अपने से लिख पहले इनके क्या प्रताप होटल में घटना हुई है, एक कमरा लोग बुक करा रहे हैं और उसमें 20 लोग आकर पार्टी कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, और फिर बाहर निकल कर रोड पर खड़ा हो रहा है, ट्रैफिक समस्या, उसी में झगड़ा हो रहा है, मार हो रही है। तो इधर 2 दिन ये नहीं होगा, एक कमरा जिसका होगा
वो ये मिलने जा रहा था, एक दो लोग मिलने चले जाए, लेकिन उसमें पार्टियां नहीं होंगी, ये आप लोग नहीं होना चाहिए। जो भी दिक्कत है हमारा वहाँ पुलिस के जवान भी रहेंगे, हम लोग मोबाइल में रहेंगे, एक कॉल पर चौकी चार्ज पहुँचेंगे, मैं पहुँचूंगा, मामला सॉल्व होगा। लेकिन वहाँ पर आप लोग महिला जरूर रखिए, महिला गार्ड मस्ट है। डीजे का प्रयोग टाइम का ध्यान रखिएगा, आप लोग को 10 बजे तक का मिला है, आवाज बहुत स्लो होगी और कोई भी अभद्र गाना और अश्लील गाने नहीं बजेंगे। किसी राजनीतिक या किसी धर्म विशेष का कोई भी वाद्य यंत्र नहीं बजेगा, ना कोई नारे लगेंगे। ये जिम्मेदारी आयोजक की होगी, जो आयोजन करता है, क्योंकि अगर मुकदमा लिखा जाएगा तो आयोजक पर लिखा जाएगा। तो आयोजक ये ध्यान रखे, जो इसका ऑर्गेनाइज कर रहा है वो ये ध्यान रखे किस तरह की कोई चीजें नहीं होगी। सार्वजनिक जगहों पर कोई भी पार्टी 31 या 1 की नहीं होगी। दारू या कोई सार्वजनिक स्थान है वहाँ कोई इकट्ठा होकर इस तरह की चीजें नहीं होगा। परमिशन जिसको जिसको मिल गया है वो परमिशन चौकी पर या थाने पर आज उपलब्ध करा दे। जिसको जिसको डीसीपी सर द्वारा परमिशन कर दिया गया है वो करा दे, और जिसको कराना है वो आज लगकर अपना करा लेगा। जिसका परमिशन नहीं होगा 31 की रात क्या वहां पर कोई भी चीज होगी तो उस पर मुकदमा लिखा जाएगा। तो परमिशन लेना, पार्टी करना, परमिशन करा लीजिए। जहां जहां पर भीड़ वाली जगह है रोडवेज पर मैंने ड्यूटी लगा दिया है। चौराहे पर जो मलदैया चौराहे पर पिछली बार 2-3 एक्सीडेंट हुआ था, बाइक लेकर लोग निकले थे, एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ हमने PSC लगा दिया, पुलिस लगा दिया है। मेन सभी चौराहों पर लगा दिया गया है। विवाद मेन 12 बजे रात से शुरू होता है, 12 बजे रात से पूरा प्रचलित। हरीश नारायण सिंह, अध्यक्ष काशी होटल एसोसिएशन वाराणसी। आज किस तरह की मीटिंग थी, क्या था? आज ACP साहब ने मीटिंग लिया था और थाना सिगरा के SO साहब भी थे उस मीटिंग में। आने वाला जो 31 तारीख है जिसमें तमाम होटल वाले अपने यहाँ पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में निश्चित तौर पे कुछ न कुछ संभावनाएं रहती हैं बवाल होने की, तो उस बवाल को कम करने के लिए कि कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो सके, कहीं शराब दारू पी करके लोग हुड़दंगई ना करें, ऐसी तमाम समस्याएं जो आने वाला 31 तारीख को आने वाली है उसको सतर्क करने के लिए सारे होटल वालों को बुला करके उन्होंने कहा है कि आप अपने अपने कैमरे सही करा लो। आपके यहाँ अगर पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उस पार्टी में प्रॉपर जो है आप अपने बाउंसर रखिए, आप भी ध्यान रखिए। अगर किसी तरीके के कोई अनैतिक कार्य उस पार्टी में न होने पाए, कोई ऐसी संभावना मार झगड़े की होती है, तत्काल आप पुलिस को खबर करें, हम वहाँ पहुँच करके उस समस्या का समाधान करने का काम करेंगे।